أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى محمد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بسم الله الرحمن الرحيم طلاب عزیز الحمدللہ حوزات علم ہندوستان جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ تنظیم المکاتب کی کوششوں سے آن لائن دروس آپ حضرات کی خدمت میں شروع ہو چکے ہیں. حقیر کا آج کا یہ درس خلاصۃ المنطق کا ہے کہ جو منطق کی ایک ابتدائی اور آسان کتاب ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ منطق علم ہے ایسے قواعد و قوانین کا کہ جو انسان کو فکری غلطیوں سے فکری خطاؤں سے محفوظ رکھتا ہے اگر ہم اس کے قوانین کے لیے آئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ منطق کب وجود میں آیا. تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آیا تبھی سے منطق موجود تھا, علم منطق موجود تھا, قواعد منطق کی انسان رعایت کرتا تھا. کیونکہ اگر ہم قواعد منطق کا انکار کر دیں, منطق کا انکار کر دیں, تو ایک بھی دن ہم اپنی بات کو سامنے والے تک, حتیٰ خود اپنے آپ تک بھی نہیں پہنچا سکتے, نہیں سمجھا سکتے, نہ سمجھ سکتے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ منطق کے قواعد و قوانین تو بہت بعد میں وضع ہوئے ہیں, پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر منطق کے انسان زندگی نہیں گزار سکتا؟ جی ہاں, بغیر منطق کے انسان زندگی نہیں گزار سکتا. یہ الگ بات ہے کہ علم منطق اس کی تدوین میں ایک عرصہ لگا, ایک طولانی عرصے کے بعد وجود میں آیا, انسان کی خلقت کے کافی عرصے کے بعد علم منطق وجود میں آیا, لیکن قواعد منطق خود انسان کے ساتھ ساتھ تھے. انسان مثلا مثال کے طور پر ہم اپنے اندر اپنے درمیان میں مثال لیتے ہیں. مثلاً اگر ہم کہیں کہ میں موجود ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے معدوم ہونے کا انکار کر رہا ہوں. میں اپنے معدوم ہونے کا انکار کر رہا ہوں. اور اگر انسان اپنے معدوم ہونے کا انکار کر رہا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا وہ یہ کہے میں معدوم ہوں, یہ تناقض ہو جائے گا. ایک وقت موجود جو چیز ایک وقت میں موجود ہے وہ اسی وقت میں معدوم نہیں ہو سکتی, یہ قاعدہ ہے علم منطق کا تناقض. یا مثلا متضائفان, اونچا نیچا, تو اونچے کے بغیر نیچے سمجھ میں نہیں آ سکتا اور نیچے کے بغیر اونچا سمجھ میں نہیں آ سکتا.
ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता एक जगह पर ऊंचा हो लेकिन नीचा ना हो उसके मुकाबले, ये मंत्र का कायदा है। अब ये कायदे ठीक है कि उस वक्त नाम इनका मौजूद नहीं था, लेकिन खुद कायदे तो इस्तेमाल हो रहे थे हमारी जिंदगी में, यही मंत्र थी। लेकिन हमने अपनी जिंदगी में देखा है कि हम इंसान गलतियां करते हैं, खताएं करते हैं, वो गलतियां और खताएं जो हम करते हैं वो किस वजह से वजूद में आती है, सबसे पहले हमें ये देखना है। फिर उन गलतियों और खताओं को किस तरीके से बरतरफ किया जा सकता है ये हमें देखना है। तो हम अपने आम जिंदगी में इस बात को समझते और दर्क करते हैं कि हम कभी कभी गलत नतीजे तक पहुंच जाते हैं, कभी कभी सही नतीजे तक पहुंच जाते हैं। तो अगर हमने किसी अहम चीज में किसी अहम मरहले में गलत नतीजा अख्ज कर लिया तो ये तो बड़ी गलती हो जाएगी और उसका भुगतान बड़ा सख्त हो जाएगा, उसकी भरपाई बड़ी सख्त हो जाएगी। लिहाजा सबसे बेहतर यह है कि हम खताओं से ही महफूज रहें। ये असल में गलती से एक उस्ताद ज्वाइन हो गए थे, मैं उन्हें रिमूव कर रहा हूं। तो इल्म मंतिक इंसान के साथ साथ वजूद में आया है, और लेकिन तदवीन के बारे में अक्सर मौरखीन का अकीदा ये है कि ये पारमिंडस के ज़माने में था, पारमिंडस ज़ाहिरन इसका नाम होगा, कि जो पहला शख्स थे जिन्होंने अकली इस्तदलालात का नाम दिया या अकली इस्तदलाल को अकली इस्तदलाल कह के पेश किया। उनके बाद उनके शागिर्द ज़ुन्नून ने इसको आगे बढ़ाया और इस्तदलाली रविश को और ज़्यादा रौनक बख्शी। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते ये एक ज़माने में ऐसी जगह पे पहुंच गया जहां पे इन इस्तदलालात में मुगालतात बढ़ने लगे और एक ग्रुप वजूद में आया जिसे कहते हैं सूफिस्ट। सूफिस्ट लोग जो थे वो मंतिक का गलत इस्तेमाल किया करते थे। वो करते ये थे कि मंतिक के मुकदमात में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने के बाद अपने मिजाज के मुताबिक नताइज अख्ज कर लिया करते थे। लिहाजा मुजरिम को सजा नहीं मिलती थी और जो मजलूम होता था, जो बेचारा जिसके साथ जुल्म होता था, उसे ही उल्टा गुनहगार बना दिया जाता था। तो ये जो सूफिस्त थे ये जब आए तो इन्होंने गोया मंतिक का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब ज़रूरी था कि इनका मुकाबला किया जाए, तो सुकरात के जो बहुत ही अजीम दानिश्वर थे यूनान के, जो तकरीबन जनाब ईसा मसीह से 399 और 469 साल पहले तक के ज़माने में जिए क़ब्ल मिलाद, इन्होंने इल्म दानिश के मैदान में बहुत काम किया, शागिर्दों की तरबियत की और इन सूफिस्त से मुकाबला किया। ये तारीख़चे की तरफ मुख्तसर से इशारा कर रहे हैं हम। इनसे मुकाबला किया और अपने शागिर्द तरबियत किए। उनके शागिर्दों में एक अफलातून हकीम थे कि जो मसलन हमारे उलमा ने बाज ने अफलातून के लिए कहा है कि उन्हें अफलातून ना कहो बल्कि कहो अफलातून इलाही, क्योंकि उन्होंने मंतिक और अक्ल के इस्तेमाल परवरदिगार तक पहुंचने के लिए किया। तो अफलातून ने जब अपना काम शुरू किया, अपने शागिर्दों को तरबियत की और आतिन जो जगह है वहां पर रहने लगे और वहां पर एक बाग का इंतखाब किया कि जो आज भी मौजूद है और अफलातून एकेडमी के नाम से वो मारूफ है आज।
वह मामूलन सही मुकदमात का सहारा लेने के बाद सही नताइज अर्ज करने लगे और सूफिस्ट को बातिल उन्होंने करार दे दिया। ये इसका तारीखचा है जनाब अफलातून का। अब जनाब अफलातून के शागिर्द थे एक अरस्तातालीस, जिन्हें मौलिम अव्वल कहा जाता है इल्म मंतिक का। अरस्तातालीस ये मकदूनिया जो यूनान का एक शहर है वहाँ की एक जगह थी ताजिरा, वहाँ पर पैदा हुए और उनके लिए ये भी मारूफ है कि हजरत सुलेमान की शागिर्दी भी उन्होंने इख्तियार की। इन्होंने 18 साल की उम्र में ही तमाम उलूम जो उस वक्त मौजूद थे वो हासिल कर लिए और अपने उस्ताद के मदरसे में यानी जनाब अफलातून के मदरसे में और दीगर असातिज़ जो भी उस वक्त थे उनसे इस्तफादा किया और बेहतरीन इल्मी सलाहियत हासिल की और उसके बाद शागिर्दों की तरबियत की। इन्हीं को अरस्तातालीस को ही अरस्तु कहा जाता है और इनकी वफात 322 साल कबल हजरत मसीह के हुई। इन्होंने मंतिक में बहुत अहम काम अंजाम दिए, बहुत सारी किताबें लिखी, मावाद तबिया और दूसरी जो किताबें मारूफ हैं। अलबत्ता एक बात ये जहन में रखनी ज़रूरी है कि अरस्तु के ज़माने तक भी मंतिक और फलसफा अलग अलग नहीं था बल्कि एक ही जगह पर था और पूरी जो साफ सुथरी शक्ल जो इस्लाम के बाद हासिल हुई है वो नहीं आई थी, लेकिन अरस्तु ने अहम कवानीन उसके वादा कर दिए थे। अब अरस्तु के बाद क्योंकि वहाँ पर चर्च की हुक्मरानी का ज़माना शुरू हो गया तो वो जो अकली बातें थीं चर्च उनकी मुखालफत करने लगा, लिहाजा अरस्तु की किताबें जलाई जाने लगीं और उनके खिलाफ इकदामात किए जाने लगे और जो भी ताकुल और तफक्कुर की तरफ तवज्जो देता था उसकी बेस पर कोई बात कहता था उन्हें सजाएं दी जाने लगी। तो जब ऐसा मरहला आया तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि ताकुल और तफक्कुर मंतिक और फलसफा फरोग नहीं पा सकता था क्योंकि वो अक्लो फिक्र के खिलाफ थे, अक्लो फिरत के खिलाफ थे वो लोग, लिहाजा ये सब उनकी किताबें महजूर हो गई वहाँ पर। लेकिन जब इस्लामी दौर शुरू हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मासूमीन ने इल्म दानिश की तरफ ताकीद फरमाई और मुस्लिम खवातीन मर्द औरत सभी को ताकीद की कि इल्म हासिल करो, वलो बिसीन किसी में आया कि चाहे चीन जाना पड़े या सख्तियां कितनी भी बर्दाश्त करनी पड़े इल्म हासिल करो, तो इल्म फरोग पाने लगा। और ये जो फरोग पाया ये खलीफा हारून रशीद का जो बेटा था मामूनुर रशीद, उसने एक जगह कायम की जिसका नाम रखा दारुल हिक्मा। वहाँ पर इसने अपना चंद लोगों को रखा जो पढ़े लिखे लोग थे और उनसे कहा कि जितनी भी दूसरी जबानों में किताब है उन्हें ट्रांसलेट किया जाए अरबी जबान में। तो उसी ज़माने में मोहम्मद इब्ने तरखान फ़ारबी और दूसरे लोगों ने अरबी कुतुब का तर्जुमा शुरू कर दिया। इसीलिए फ़ारबी को मौलिम सानी कहा जाता है मंतिक का, क्योंकि मंतिक की अरस्तु की किताबें के जो महजूर हो गई थी उनका तर्जुमा फ़ारबी ने अपने दौर में बेहतरीन तरीके से शुरू किया और 339 साल में फ़ारबी की वफात हो गई 339 हिजरी में। अब फ़ारबी के बाद मरहला फिर अब्बासी बादशाहों का ही था और वो भी किसी हद तक ताकुल और तफक्कुर के खिलाफ थे और फिर जो इस्लाम से बाहर की जो ताकतें थीं उन्होंने हमलात किए, ताबखाने ज़ाया होने लगे। तो उस सूरत में अब वो जो अकली और फिक्री जो चीज़ें थी वो फिर से ज़ाया हो गई और उस वक्त एक अजीम शख्सियत
जनाब अबू अली सीना ने इस इल्म को बिल्कुल नए सिरे से मुदव्वन किया है, इसीलिए उनको मौलिम सादिक कहा जाता है। उनका शुमार इस्लामी दुनिया के ज़हीन और फतीन लोगों में होता है। फारबी के बाद अबू अली सीना ने जितना काम किया, इल्मे मंतिक हो, ये इल्मे तिब हो, ये इल्मे फलसफा हो, उसके नसीब नहीं मिलती है। वाकई अबू अली सीना इस बात के मुस्तहिक हैं कि मौलिमे सिवुन कहा जाए उन्हें, ये शेखुर रईस कहा जाए, ये सब अलकाब बल्कि उनकी फालियत के मुकाबले में बहुत छोटे हैं। उन्होंने अपनी उम्र में इस फन में जो किताब लिखी वो इतनी माया नाज थी कि आज तक भी उस किताब का आने लाना मुश्किल। ये अबू अली सीना की जिंदगी से मुताल्लिक। तो इस्लामी दौर में बैतुल हिक्मा ने जो मामून अब्बासी के जमाने में कायम किया गया था, उसने मंतिक और रूमी अखलिया को काफी फरोग दिया। अब हम आते हैं इस्लामी फिरकों की तरफ। इस्लामी फिरकों में बाद अफराद ने ताकुल तफक्कुर की मुखालफत शुरू कर दी, लिहाजा वो पीछे रह गए। उनके यहाँ पर हत्ता परवरदिगार को भी जो साबित किया जाता था वो से साबित किया जाता था, यानी अगर कुरान की हकानियत परवरदिगार सबको अगर साबित करना है खुद कुरान करीम से, ये तो अगर साबित करना तो ऐसे ही साबित, ये दौर और ये दौर है मुसर्रा था बिल्कुल जो बातिल। लेकिन इधर जो फिरके थे मुतज़िला ये इमामिया, उन्होंने ताकुल तफक्कुर पर ध्यान दिया क्योंकि मासूम मुस्तकिल ताकीद थी। हम इंशाल्लाह ताला भी आपकी खिदमत में चंद अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम की तरफ से इल्म की अहमियत के ऊपर पेश करेंगे। मिसाल के तौर पर मसलन हम पेश करते हैं, मसलन अकली तौर पर साबित है परवरदिगार को अगर हमें समझना है तो किसी नकल से इस्तफादा नहीं करना है बल्कि अपनी अकल से ही इस्तफादा करना है। तभी तो हम परवरदिगार को साबित करने के बाद किताब को साबित करेंगे। जब किताब को साबित करना है तो उस वक्त हम परवरदिगार से मदद ले सकते हैं क्योंकि हम परवरदिगार को अपने अकल के जरिए से साबित कर सकते हैं। जैसे मसलन कोई चीज वाजिब है तो उसका मुकदमा भी वाजिब होता है, इसी तरीके से बाद मुसलमानों ने ये दलील मंदिर की अहमियत पर पेश की है कि जब परवरदिगार का पहचानना वाजिब है क्योंकि शुक्र मुनीम के लिए पहचान करने वाले के पहचान करने वाले को पहचानने की तरफ से हमें उस मौजूद को पहचानना जरूरी है क्योंकि मुकदमे वाजिब के तौर पर हमें उसका शुक्रिया अदा करना है तो उसे पहचानना पड़ेगा ना कि वो किस तरीके से राजी होता है, किस तरीके से उसका शुक्रिया अदा किया जाएगा। जब हम उसे पहचानेंगे नहीं तो उसकी मतलूब चीज को कैसे पहचानेंगे। लिहाजा इस चीज के लिए जरूरी है कि हम उसे पहचाने। और उसका मुकदमा क्या है? उसका मुकदमा है उलूम अकलिया, उसका मुकदमा इल्मे मंतिक। तो इल्मे मंतिक मुकदमे वाजिब के तौर पर भी हासिल करना है, ये बहुत अहम चीज है कि मुकदमे वाजिब के बिना हम मसलन परवरदिगार को उसकी मारिफत हासिल करना चाहते हैं तो उसका मुकदमा है इल्मे मंतिक, मुकदमे वाजिब है। यहाँ पे हम ये चंद हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से पेश करते हैं। इससे ये पता चल जाएगा कि इस्लाम में इल्म ताकुल तफक्कुर और असलन फिक्र की कितनी अहमियत है। कुरान करीम में बार बार जगह पे तफक्कुर की दावत दी जाती है, अलबाब कहकर खिताब किया जाता है,
क्यों नहीं फिक्र करते हो, ये तर्जुमा उसका होता है आयत का, क्यों फिक्र की तरफ दावत देता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन, तलब करना हर मुसलमान के ऊपर फरीजा है। यहाँ पे ये कायद में थोड़ी सी गलती कर दी है जिसे हम, तो हर मुसलमान के ऊपर इल्म का हासिल करना फरीजा है। फरमाते हैं की तलाश करने वालों को, इनको ढूंढने वालों को परवरदिगार पसंद करता है। अब तलाश नहीं जा सकता है, एक पास भी जा सकता है, और ये भी है इल्म हासिल करो, चाहे किसी के पास भी जाना पड़े, मुसलमान हो ना हो, किसी से भी इल्म हासिल किया जा सकता है। अब ये कौन से मुसलमान है जो कहते हैं हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे, हम फलाच नहीं। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि इल्म हासिल करो, किसी के पास भी जाना पड़े, और मुतलक फरमाए इल्म हासिल करो, बेहतरीन वक्त का इल्म होता है। इमाम जाफ सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल हाल, यानी इल्म का हासिल करना हर हालत में फर्ज है। ये नहीं कि अभी तो जो है हम तो गांव में हैं, हम तो मसलन हालात के मारे हुए, नहीं, जो भी हालत है, जिस हालत में वो तो जहां तक मुमकिन हो इल्म हासिल करो। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला कंजुन अनफउ मिनल इल्म, से बेहतर कोई खजाना नहीं है, इल्म से ज्यादा मुफीद कोई खजाना, नफाबख्श कोई खजाना नहीं। जब इस्लाम में इस तरह की ताकीदात थी, और जिन मुसलमानों ने ताकीदात को समझा उन्होंने अकलिया पर काम किया, कि इस्लाम में इतना फरोग मिला कि अब बिल्कुल पलट गया जमाना। पहले जो ट्रांसलेट हुआ था मैटर, वो यूनानी मंतिक की तरफ से ट्रांसलेट हुआ था अरबी जबान में, अब जब जमाना पलटा और वहां पर चर्च और कलीसा की हुकूमत खत्म हो गई, अब उन्होंने देखा कि अरे हमारे उलूम तो सब चले गए हमारे हाथ से, सब मुसलमानों के यहाँ पर फरोग पाने लगे। उन्होंने इस्लामी ममालिक पर हमला किया और उन किताबों को के जो अरबी में ट्रांसलेट हुई थी उनको, और जो उसकी शरह हमारे दानिशमंदों ने, हमारे उलमा ने मंतिक के ऊपर लिखी थी, जो उसकी खामियां दूर करने के बाद उसको मुस्तहकम किया था, उसमें दलाइल बढ़ाए थे, उसे बसी किया था, उन किताबों को उठाकर ले गए और अपनी यूनिवर्सिटियों में तालीम देने लगे। मसलन मिसाल के तौर पर हमारे जमाने में भी हमारे बच्चे ये मारूफ था, और हमारा साथीश ने बताया था कि अबू अली सीना की किताबें तिब्बुल कानून, शिफा वगैरह आज भी यूरोप की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। तो शिफा क्या थी? शिफा तो थी ना किताब, शिफा मंतिक में किताब थी, अबू अली सीना की किताब थी, लेकिन उसकी असल था तो जो कहना चाहिए मगज था वो अरस्तू का ही था, लेकिन उसकी जो खामियां थी, जो उसके अंदर लावटें थी वो दूर कर दी गई थी, खामियां दूर कर दी गई थी, और उसे बिल्कुल साफ सुथरा बना के बेहतरीन ऐसा अकली कानून जिसके अंदर खदशा वारिद न किया जा सके वो उसके अंदर लाए गए थे। शिफा के अंदर वो किताब अब यूरोप में चली गई। सैयद जमाना इतना पलटा क्यों? क्योंकि हमारे मासूमीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे उलमा ने इस बात के ऊपर ताकीद की थी कि हम इल्म पर ध्यान दें, दाखिल पर ध्यान दें, कुरान करीम की ज़बान हम देखें, या मासूमीन अलैहिस्सलाम का कलाम देखें। इस तब से यही नतीजा निकलता है कि इल्म मंतिक को फरोग देने में इन ताकीदात का अहम रोल है। अब एक जमाना आता है जो तकरीबन कम से 200-300 साल का जमाना है, वो जमाना लाइबनिट्ज़ का जमाना, जो जर्मन का एक बेहतरीन फलसफी और रियासीदान था, उसने जदीद मंतिक की और जदीद तरीके से मंतिक के कवानीन को मुकद्दर किया, और उसने जो कोशिश करी वो ये कि रियासी के जो फॉर्मूले होते थे उनके मुताबिक मंतिक के मसाइल को हल करने की कोशिश की, वो या रियासी के फॉर्मूले से उसे जोड़ दिया।
इसे मंतिक कहते हैं, जो एक तरह से जाहिरन हम अंक गणित उसे कहते हैं, अंक गणित या तो ये जो मंतिक है इसका वजूद है लाइबनिट्ज़ से, तो जर्मन का फलसफी जो हमने आज आपके सामने पेश किया। अब हम असले गुफ्तगू की तरफ आ जाते हैं। हमारी जो किताब है, हमने पहले अर्ज किया था, खुलासतुल मंतिक है कि जो अल्लामा अब्दुल हादी अल फजली की तालीफ करता है, बेहतरीन दरसी किताब है, आसान दरसी किताब है, और हमने कोशिश की उसे और आसान बनाकर आपके सामने पेश किए। मंतिक के लिए सबसे पहले आप ये जहन में रखिएगा, मंतिक किसी जबान का मोहताज नहीं, जरूरी नहीं है कि आप मंतिक अरबी जबान में ही पढ़ें, पारसी जबान में ही पढ़ें, किसी जबान में पढ़ सकते हैं। ये ऐसे कुली और मुश्तरक फार्मूले होते हैं जिनका ताल्लुक हर इंसान से होता है, हर जगह के इंसान से होता है, इसका ताल्लुक जबान से नहीं होता है, इसके फार्मूले हर इंसान के काम आते हैं। तो ज्यादा जबान में कम काम हुआ है इल्म मंतिक के ऊपर, या जो काम हुआ है वो इतना अच्छा नहीं है जिसे हम तदरीस के लिए बिल्कुल डायरेक्ट रूप से इस्तेमाल कर सकें, लेकिन हो जाते इसमें नजफ और खूम और दीगर उलमा जो हमारे मशरिक उस्ता में थे, उन्होंने काफ़ी काम किया है इसके ऊपर। उन्हीं में से हजरत अल्लामा अब्दुल हादी फजली हैं जो सऊदी अरब के रहने वाले थे, और बेहतरीन किताबें इन्होंने लिखी हैं, खुलासतुल मंतिक, मबादिल उसूल। ऐसे कम उलमा होते हैं कि जिनकी किताबें कि हयात में ही हो जाते इंडिया की दर्सी किताब बन जाती, उन्हीं में से एक अब्दुल हादी फजली, उनकी ये किताब जो हम आपके सामने पेश करें, खुलासतुल मंतिक का खुलासा, अल मुकदमा इल्मुल मंतिक, लुगवी माना क्या है, गुफ्तगु करने के। इल्मुल मंतिक हुवा इल्मुन इस्तिलाह में, हुवा इल्मुन यहाँ पर कवायदा हमने क्यों पढ़ा, तो आप समझते हैं, बहरहाल यहाँ पर अदबी बहसें हमें नहीं करनी है, असल जो है वो हमें अरबी जबान के जरिए से तारीफ समझाना। तो तारीफ हमने यहाँ पर पेश किया आपके सामने, तारीफ खुद मंतिक में ही तारीफ समझाई जाएगी, तारीफ होती है हदबंदी करना। जब हम हदबंदी कर देते हैं तो वो चीज़ मुय्यन हो जाती है कि ये चीज़ यहाँ से और यहाँ तक है, न इधर है न इधर है, और न इधर वाली चीज़ में दाखिल हो सकती है और न उधर वाली चीज़ इसमें दाखिल हो सकती है, इसकी हद मुय्यन हो गई, इसे कहते हैं हद। तारीफ, तारीफ एक तरह से हद बंदी है। भाषो के जो गुफ्तगू करता है, बहस करता है, अनिल कवायद अल आमते, आम कवायद से गुफ्तगू करता है, आम उसूल और कवानीन के बारे में गुफ्तगू करता है, लेकिन बिल्कुल ऐसी आम नहीं जो फलसफे की तरह से आम हो और या दूसरी चीज नहीं गई, बल्कि वो आम कवायद जो इंसान की सही फिक्र के लिए जरूरी होते हैं, अनिल कवायद अल आमते लितफ़्किर सही, इंसान की फिक्र को सही और सालिम रखने के लिए जो जरूरी होते हैं। ये है इल्म मंतिक की तारीफ जो हमने आपके सामने पेश की। मौजू, आप जानते हैं कि हर इल्म का एक मौजू होता है और उसी मौजू के तहत में तमाम चीजें उस इल्म में बयान की जाती है, वो एक तरह से तमाम मसाइल जितने भी उस इल्म में बयान किए जाते हैं वो मौजू के चारों तरफ घूमते रहते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर हम
तिब का मौजू क्या है? बदन। इल्म तिब का मौजू बदन है, बदन इंसानी मिसाल के तौर पर। तो आप उसमें जाएगी मसलन दर्द, बदन का दर्द, बदन में फला मरज, बदन की खुशहाली के लिए क्या किया जाए, बदन की सेफ्टी के लिए क्या किया जाए, बदन के मसलन फला मरज के लिए क्या किया जाए, बदन में रुष्ट नहीं हो रहा तो उसके लिए क्या किया जाए, बदन में ज्यादा मसलन चीज बढ़ गई है तो उसके लिए क्या किया जाए, और मुख्तलिफ की चीज होगी वो बदन से रिलेटिव होगी। जो गुफ्तगू होगी वो हिंद से मुतालिक हो, आदत से मुतालिक, जो भी होगा आदत से मुतालिक, जो भी आदत होते हैं एक दो जो भी इल्म रियाजी में गुफ्तगू, जितने भी मसाइल होंगे, जितने भी फार्मूले होंगे उसी से रिलेटेड होंगे। इल्म नहव में मसलन जितने भी गुफ्तगू होगी इल्म नहव में वो कलमे और कलाम से रिलेटेड होंगे, चाहे वो मरफू, कलमा मरफू होता है, मंसूब होता है, मजरूर होता है, कौन कौन से कलमात मरफू हो सकते हैं मजरूर, लेकिन गुफ्तगू कलमे के दायरे में ही होगी, गुफ्तगू कलाम के दायरे, कलमा जब कलाम के दायरे में आएगा कब मरफू होगा कब मंसूब होगा, तो गुफ्तगू कलाम और कलमे के साथ ही होगी तमाम गुफ्तगू। तो गोए इल्म किसी भी इल्म का मौजू वो चीज होती है कि जिसके चारों तरफ उस इल्म के मसाइल घूमते रहते हैं, वो महवर होता है, वो मरकज होता है उस इल्म का। तो इल्म मंतिक का मौजू क्या है? साहिब किताब फरमा रहे हैं कि इल्म मंतिक का मौजू है तारीफ वल इस्तदलाल व मनाहिजुल बहस। तारीफ है, तारीफ इसकी तफसील तो बाद में बताएंगे, लेकिन मुख्तसर तरीके से तारीफ यानी पहचानना और पहचानवाना मारिफत से, तारीफ किसी भी चीज को पहचानने के उसूल या पहचानवाने के उसूल, दोनों एतबार से ये शामिल होगी तारीफ। इस्तदलाल किसी भी चीज को साबित करने के लिए हमें क्या करना है, मसलन फला काम इस वक्त फला जगह पर ऐसे हो रहा है, क्या दलील है आपके पास, कोई दलील है, हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो, या मसलन परवरदिगार इस दुनिया का खालिक है, कोई दलील है आपके पास। ये जो दलील लेकर आते हैं हम इसे इस्तदलाल कहते हैं, किसी भी चीज के लिए जो हम दलील लेकर आते हैं उसे इस्तदलाल। मनाए जब है गुफ्तगू का तरीके, कैसे गुफ्तगू की जाए, जदली गुफ्तगू कैसे हो, खिताबे का क्या कानून होना चाहिए, कहाँ कहाँ इंसान गलतियां जानबूझ कर करता है ताकि मुगालता पेश आ जाए, मुगालतात की बहस, ये तमाम के तमाम मनाहिज बहस में गुफ्तगू हो गए। इन्होंने बिल्कुल मुफस्सल करके मौजू को बयान कर दिया है, मतलब आगे की किताबों में मौरिफ और हुज्जत कह देते हैं, मौरिफ से मुराद वही तारीफ, इस्तदलाल से मुराद वही हुज्जत। मनाहिज बहस जिक्र नहीं करते, लेकिन अल्लामा फजली ने इसे मनाहिज बहस अलग कर दिया है ताकि जदल मनासरा वगैरह इन सब को शामिल किया जा सके, क्योंकि वो भी बहुत अहम है और उसके अंदर बहुत सारी गलतियां की जाती हैं और लोग उन गलतियों में मुब्तला हो जाते हैं, लिहाजा उन गलतियों को समझने और उनमें ये भी एक अहम मौजू है। तो हर इल्म का मौजू हमने यहाँ पर जिक्र किया वो चीज होती है कि जिसके हालात से उस इल्म में बहस की जाए, जैसे नहव का मौजू कलमा और कलाम है, इसी तरह इल्म मंतिक का मौजू साहिब किताब की नजर में तारीख इस्तदलाल और बहस गुफ्तगू के तरीके हैं। अब इल्म मंतिक की अहमियत, जरूरत, इफादियत जो साहिब किताब ने बयान की है, साहिब किताब ने चार फायदे बयान किए हैं, हम उन्हें मुख्तसर तरीके से आपकी खिदमत में पेश करते हैं। साहिब किताब कहते हैं मिनल वादिह अन्ना जमी अल उलूम हिय नताज तफकीर अल इंसानी, कह रहे हैं कि ये चीज वाजे है कि तमाम उलूम इंसानी फिक्र का नतीजा है, इसमें तो कोई शक है ही, और ये भी वाजे है कि जब इंसान फिक्र करता है तो कभी कभी गलती कर देता है, गलत नताइज तक पहुंचता है और कभी कभी सही नताइज तक पहुंचता है। अब इंसानी फिक्र
हमेशा गलत और सही के दरमियान में चलती रहती है, कभी गलती तक गलत नतीजे पहुंच जाती है, कभी सही नतीजे तक पहुंचती है। तो लिहाजा अब ऐसे इल्म की जरूरत महसूस हुई कि जिसके कवानीन की रियायत करने के बाद इंसान गलतियों से महफूज रह सके। तो ये जरूरत महसूस हुई कि ऐसा इल्म हो कि जिसके कवायद और कवानीन की रियायत करने के बाद इंसान गलतियों से महफूज रह सके। अब एक इल्म ने आगे बढ़कर इस जिम्मेदारी को अपने दोष पर ले लिया कि मैं उन कवायद और कवानीन को बनाने और मुनज्जम करने की जिम्मेदारी अपने दोष पर लेता हूँ। उस इल्म का नाम, जिसने ये जिम्मेदारी अपने दोष पर ली, उस इल्म का नाम है इल्म मंतिक, जो हम पढ़ रहे हैं। दूसरा फायदा जो साहिबे किताब ने जिक्र किया है कि अगर हम इल्म मंतिक के कवायद और कवानीन को समझ लेते हैं तो हम आसानी से दूसरों के अफकार में, दूसरों के नजरियात में आसानी से तनकीद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम मुखालता समझ चुके हैं, हमने कवायद इस्तदलाल को समझ लिया है, हमने हद वसत के बारीक कवानीन को समझ लिया है, हमने औसत के अंदर, हद वसत के अंदर जो शराइत तो कवानीन हैं उन्हें बाकायदा दर कर लिया है, कहाँ कहाँ गलती करता है इंसान। अब हम आसानी समझ सकते हैं कि सामने वाले ने जो गलत नतीजा अख्ज किया है फला नजरिए में, या सामने वाले ने जो अच्छाइयां पेश की वो भी हम समझ सकते हैं इसके जरिए से। तो कवायद मंतिक के जरिए से हम इल्मी नजरियात में तनकीद कर सकते हैं, उनकी अच्छाइयाँ और खामियां दोनों को समझ सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा फायदा जिक्र किया है साहिबे किताब ने कि हम कवायद मंतिक की मार्फत के बाद इल्मी और सालिम रास्तों को, कि जो सही नताइज तक पहुंचाते हैं, इल्मी सालिम रास्ते कौन से होते हैं? जो सही नतीजे तक पहुंचा देते हैं। लेकिन बाज इल्मी रास्ते गैर सालिम भी होते हैं कि जो गलत नतीज तक पहुंचा देते हैं, या अकीम होते हैं बिल्कुल, वो नतीजा ही नहीं देते। तो हम कवायद मंतिक की मारिफत के बाद उनके दरमियान फर्क कर सकते हैं कि कौन से रास्ते इल्मी और सालिम रास्ते हैं जो सही नतीजे तक पहुंचा सकते हैं, और कौन से रास्ते इल्मी हैं लेकिन गैर सालिम हैं, जो नतीजा बख्श नहीं है या फिर गलत नतीज तक पहुंचाते हैं। ये हम इल्म मंतिक के जरिए से समझ सकते हैं। और आखिरी फायदा कि हम कवायद मंतिक की मारिफत के बाद मुख्तलिफ उलूम के कवानीन में तमीज कर सकते हैं। मसलन खुद इल्म उसूल और इल्म मंतिक, ये दोनों का काम तकरीबन एक जैसा ही है, दोनों आला हैं, दोनों वसीला हैं और दोनों बुनियादी चीजें हैं। लेकिन जितना बुनियादी इल्म इल्म मंतिक है उतना इल्म उसूल नहीं है। इल्म उसूल अपने वजूद में इल्म मंतिक का मोहताज है, लेकिन इल्म मंतिक अपने वजूद में इल्म उसूल का मोहताज नहीं है। इल्म उसूल वैसे ही अमल करता है जैसे इल्म मंतिक तमाम उलूम में, उनके इस्बात की, नफी की, तमाम चीजों में उसमें इल्म मंतिक की जरूरत होती है। इल्म उसूल की फ़कत इल्म फिक्र में जरूरत होती है, सिर्फ एक इल्म में जरूरत होती है, उसके कवायद के जरिए से हम अहकाम शरी को अदिल्ले तफसीलिया के जरिए से अख्ज कर लेते हैं। अदिल्ला वही किताब सुन्नत, इंशाल्लाह आइंदा दुरूस में इसके बारे में गुफ्तगू आएगी। अब ये इंशाल्लाह इल्म की गुफ्तगू कल से शुरू होगी, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है और बाकी अदर से अब जो टाइम बचा है, अगर जो तुल्लाब मौजूद हैं उनमें से किसी को कोई सवाल करना है तो मैं हाजिर हूँ। अस्सलामुअलैकुम। ज़ाहिरन किसी को सवाल नहीं है। इंशाल्लाह कल सारे वक्त 9 बजे से खुलासतुल मंतिक रहेगी, 8 बजे से मबादिल जैसा कि आज थी टाइम रहेगी, और इंशाल्लाह अब 10 बजे से कलाम इस्लामी का दर्स होगा। जो तुल्लाब उसमें शिरकत करना चाहते हैं वो बिल्कुल सारे वक्त 10 बजे इसी लिंक पर ज्वाइन कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।